कंटेंट न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज की नेक्स्ट न्यूज़ शुरू करते हैं, उससे पहले एक चीज बता दूं, तो आज तो मैं फुल मजनू लग रहा हूँ। बाल देख रहे हो, देख रहे हो, फुल मजनू, वैक्सी घूम गया मेरा, मिल नहीं रहा बाल की हालत। एनीवेज, यहाँ पे अगर आपने Xiaomi के Redmi Note 7 की अनबॉक्सिंग नहीं देखी है इंडियन यूनिट की, तो मैंने उसका ऑलरेडी अनबॉक्सिंग अपने चैनल पर डाल दिया हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक देता हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आज उसका पहला सेल था। तो अगर आपको नहीं मिला है या मिला भी है तो वो वीडियो देखना, आपकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा Realme 3 और Redmi Note 7 की कंपैरिजन मैंने बना दिया हो, कल दोपहर के आसपास आपको मिल जाएगा, तगड़ा वॉर होने वाला, मजा आने वाला, वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। आज भी बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहली खबर की बात करते हैं, और जो पहली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है, और ये आ रही है कॉर्निंग की तरफ से। ये कॉर्निंग वही कंपनी है जो आपके फोन की स्क्रीन के ऊपर गोरिल्ला ग्लास की आपको प्रोटेक्शन देती है। अभी रिसेंटली उनका गोरिल्ला ग्लास 6 आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या होगा कि जो फोल्डेबल स्मार्टफोन अभी फिलहाल के लिए आ रहे हैं सैमसंग के, हुआवे के, इसके उसके, वो एक्चुअली एक फोल्डेबल डिस्प्ले वाले फोन है, और उनमें आपको प्लास्टिक पॉलीमर स्क्रीन मिल रही है, तो वो ग्लास नहीं है। तो जब वो ग्लास नहीं है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो गोरिल्ला ग्लास है वो ग्लास पर चढ़ता है। अभी यहाँ पे उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए कॉर्निंग यहाँ पे एक अल्ट्रा थिन बेंडेबल ग्लास के ऊपर काम कर रहे हैं। जी हाँ, अल्ट्रा थिन बेंडेबल ग्लास के ऊपर काम कर रहे हैं। जब यहाँ पे बेंड होता है वो ऑलमोस्ट आपको 5 मिलीमीटर जो वो रेडियस के ऊपर जो वो देखने को मिलेगा। इससे यहाँ पे क्या होगा कि जो फोल्डेबल स्मार्टफोन होते हैं उसके ऊपर चढ़ाकर यहाँ पे उसको वो लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने सोच लिया है कि जो फोल्डेबल स्मार्टफोन आएंगे फ्यूचर के अंदर, उसकी ग्लास की प्रोटेक्शन के लिए वो लोग यहाँ पे इस तरीके के ग्लास को बना रहे जो बेंड हो सकता है और प्रोटेक्ट भी कर सकता है। जी हाँ, तो ऐसी टेक्नोलॉजी पर वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे थे ना कि भाई इसके पर गोरिल्ला ग्लास कैसे चढ़ेगा अगर वो फोल्डेबल स्मार्टफोन है, तो कोई बात नहीं, कॉर्निंग उस पे काम कर रहा है और आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्दी वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों सैमसंग ने इंडिया के अंदर ऑफिशियली आज अपने गैलेक्सी S10e, S10 और S10 प्लस को जो लॉन्च कर दिया है, इनकी ऑफिशियल इंडियन प्राइसिंग यहाँ पे जो निकल कर आ चुकी है, और 8 मार्च से आप इनको जाके परचेस कर सकते हैं। वैसे प्री ऑर्डर के ऊपर भी काफी सारे आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, तो आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एनीवेज, यहाँ पे मेरे पास S10 प्लस तो आके 3-4 दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि Realme और Redmi का वॉर चल रहा है, उसके बीच में ये बेचारा पछता रहा है। एनीवेज, यहाँ पे प्राइस की बात करते हैं, तो जो S10e है वो आपको 55,900 से मिल रहा है, जो सिर्फ एक ही वेरिएंट में आता है 6128। जो S10 है वो आपको 8128 से मिलता है, जिसकी प्राइस है कुछ 66,900। उसमें आपको 8 और 512 GB वाला वेरिएंट भी मिलता है, उसकी प्राइस है कुछ 84,900। S10 जो प्लस है वो स्टार्ट होता है 73,900 से 8128। उसके अलावा 91,900 आपको मिलता है 8 512 GB, और उसके अलावा आपको 117,900 का भी मिल रहा है, जो 12 GB और 1 TB की स्टोरेज के साथ में आता है। एनीवेज, एप्पल से तो बेटर ही है, और ये फ्लैगशिप फोन है सैमसंग की। अगर आपको अपग्रेड करना है S9 से S10 पर, तो आप इन वाले स्मार्टफोन पर जाके अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, और Xiaomi यहाँ पे मुझे एक्चुअली समझ नहीं रहा है कि ऐसा क्यों करता है। पहले जब पबजी का जो गेम इतना मशहूर हुआ था, तो Xiaomi ने अपने खुद के सर्वाइवल गेम को लेके आ गया था उसको कम्पीट करने के लिए। मैंने भी वैसे वीडियो बनाया था, काफी वायरल हो गया था। अभी यहाँ पे Xiaomi ने क्या किया कि टिकटॉक इतना वायरल हो गया है, 1 बिलियन से ज्यादा कुछ इसके क्या कुछ हो गए। उसके अलावा अभी यहाँ पे Xiaomi क्या कर रहा है, उसको कम्पीट करने के लिए खुद का Xiaomi Zili करके एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। वही आप उसमें शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो आप टिकटॉक में करते हैं। पहले तो उन्होंने टिकटॉक के साथ में जनवरी में पार्टनरशिप किया था Redmi ब्रांडिंग के लिए, लेकिन अभी उसके ही कंपटीशन में उन्होंने Xiaomi Zili करके एक एप्लीकेशन लेके आ गया है। तो जो पागलबंदी टिकटॉक में होती थी, वो पागलबंदी आप जाके Xiaomi के Zili के अंदर कर सकते हैं। तो ये है Xiaomi जो कुछ भी करता रहता है, क्या करे। तो यहाँ पे एसेंशियल, अगर आप इस कंपनी के बारे में जानते हो तो आपको बता देता हूँ कि एसेंशियल PH1 एक स्मार्टफोन आया था, और ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन था, अगर आपको नहीं पता है, जिसमें आपको नॉच देखने को मिली थी। आप सोच रहे हो यार पहला तो iPhone 10 था, ऐसे नहीं है, iPhone 10 तो कमर्शियली अवेलेबल हो गया था, लेकिन उससे पहले एसेंशियल PH1 आया था जो आपको एक नॉच के साथ में मिला था। लेकिन अभी ये जो कंपनी, इनके जो वैसे एंड्रॉइड के जो को फाउंडर है एंडी रूबिन, वो यहाँ पे इसके देखभाल करते हैं, लेकिन अभी क्या होगा कि एसेंशियल PH2 यहाँ पे आने वाला है, और ये भी वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बन जाएगा जिसमें ग्लास के अंदर आपको कैमरा देखने को मिलेगा। जो कैमरा सेंसर होगा वो ग्लास के नीचे होगा। वैसे पंच होल वाले डिस्प्ले वाले आपको फोन तो मिल ही रहे, लेकिन उसमें आपको ऑब्वियसली साइड में एक रिंग मिलती है ना, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे कैमरा है। ये वैसा नहीं होगा, ये ग्लास के अंदर ही होगा कैमरा, जो आपको एक जगह पे जो वो दिखेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की चीज उन्होंने कर दी है। अब इससे वजह से आपको ना मोटराइज कैमरे की जरूरत पड़ेगी, ना स्लाइडर वाला होगा, ना पंच होल की, कुछ नहीं, ग्लास के अंदर ही आपको कैमरा दे रहा। तो ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बनेगा। उसके अलावा फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा, क्योंकि एक पिक्चर यहाँ पे आई थी उसमें ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एसेंशियल PH2 भी आने वाला है,
पहला फोन बेचारा पिट गया था, वैसे काफी अंडररेटेड फोन था, अब ये कितना चलता है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ नई टेक्नोलॉजी है, आप इसको भी शायद से दूसरी कंपनी भी अपना देगी, कभी आएगा जब भी आएगा आपको जरूर इसके बारे में बता देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पबजी फिर से एक बार खबरों में आया है, लेकिन फिर से इस बार बुरी खबर निकल कर आ रही है। अभी ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में, वैसे ये किस्सा 3 मार्च का है, काफी टाइम हुआ, 2-4 दिन हो गया है, और उसमें यहाँ पे एक बंदा था अपने घर के बाहर बैठ के जो पबजी खेल रहा था, और एक्सीडेंटली उसने पानी की जगह एसिड पी लिया। ऐसा हो सकता है, मतलब एसिड को क्यों रखा था उसने वहां पे पता नहीं, एनीवेज उसने पानी पीने की जगह पे उसके बाजू में एसिड था, इतना मगन था उस गेम के अंदर तो उसने उठा के एसिड पी लिया। अब इतना बुरा हाल उसका हो गया कि वहां से डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इसको कहीं और ले जाओ, तो नागपुर लेके गए, उसके पेट में अल्सर हो गया, इंटेस्टाइन में ये हो गया वो हो गया, बहुत परेशान हो गया वो। 25 साल का ये लड़का है, मुझे तो लग रहा था कि भाई 5 साल की जैसा होगा, क्योंकि इसने हरकत 5 साल वाले बच्चे जैसी करी है। 25 साल का है, उसकी एक लड़की भी शादीशुदा भी, बहुत परेशान हो गया है, अभी जिंदा है लेकिन उसके साथ में ये सब सीन हो गया है। इसमें पबजी का कसूर नहीं है, इसमें उस ढक्कन का कसूर है, क्योंकि उसने ऐसा कांड किया था भाई, आंख खोल के देख सकता ना कि मैं पानी पी रहा हूं कि क्या पी रहा हूं, चलो वो तो ठीक है, लेकिन बाजू में एसिड क्या कर रहा था, कैसे हो सकता है, मतलब एनीवेज ये भी देखो सीन निकल कर आता है, बदनाम कौन होता है, तो पबजी। और यहाँ पे लगे हाथों Xiaomi ने अपने कुछ MIUI फोरम के ऊपर जो वो MIUI 10 और MIUI 11 के नए फीचर्स को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। अभी दोस्तों इतने सारे फीचर्स है ना कि मैं आपसे क्या बताऊं, मैं ओपन करके आपको रीड करके बता देता हूं, क्योंकि मतलब इतने फीचर्स आने वाले MIUI 10 में, कुछ आने वाले और कुछ जो बचे कुछ रहेंगे वो MIUI 11 में आपको देखने को मिलेगा। साउंड इफेक्ट्स नए मिलेंगे आपको, डॉल्बी साउंड इफेक्ट्स अलग से एक और मिल रहा है, मतलब फोन के साउंड इफेक्ट अलग, डॉल्बी के साउंड इफेक्ट अलग, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर साइमल्टेनियसली काम करेंगे, इंटरफेस ऑप्टिमाइजेशन होगा, वायरस स्कैनर मिलेगा, पावर सेविंग मोड है, वेकअप डिस्प्ले मोड है, आपको क्या 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 इतना सारा ना कि भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। MIUI के फोरम पर आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये सारा अपडेट अभी फिलहाल के लिए MIUI 10 में पुश करेंगे, जो बचा कुछ रहेगा वो MIUI 11 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे दोस्तों जो भी डेटा कंजम्पशन होता है हमारे देश के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, इंडिया यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोगों को सबसे चीप प्राइस के अंदर जो वो डेटा मिल रहा है, मतलब 1 GB ऑन एवरेज इंडिया के अंदर 0.26 USD, यानी कि 18 रुपए से स्टार्ट होता है, जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड यहां पे एज हाईएस्ट 600 और उसके ऊपर यहां पे जो वो चला जाता है। यहां पे सबसे चीप इंडिया आता है 0.26 USD पर, उसके बाद कजाकिस्तान आता है 0.27 पर, यूएस के अंदर यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि भाई 12 USD पर 1 GB यहां पे जो वो ऑन एवरेज जो वो डेटा की कॉस्टिंग है, वहां पे यूके के अंदर कुछ 6.6 USD है, उसके अलावा बहुत सारी कंट्री आपको मिलती है, लेकिन सबसे महंगा यहां पे जो वो 75 USD है 1 GB एवरेज की मैं बात करूं, और वो है जिम्बाब्वे 75 USD। छोड़ दो, जाने दो, हमारे में सही है, और हमारा जब से 400 मिलियन से ज़्यादा इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स हो गए, ऑल थैंक्स टू हमारे मुकेश भाई, क्योंकि उन्होंने जियो लाया था उसकी वजह से ये हो रहा है। तो अभी गूगल की तरफ से खबर आ रही है, और इंडिया के अंदर यहाँ पे गूगल ने अपने एक नए एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है, स्पेशली यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो रूरल इलाका होता है उन लोगों के लिए। इस एप्लीकेशन का नाम है बोलो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, स्पीच रिकग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे बच्चों को ये एनकरेज करता है और उनकी स्पीच को इम्प्रूव करता है, ताकि जो रीडिंग कैपेबिलिटीज होती है ना हमारे इंडिया में जो छोटे बच्चे स्पेशली रूरल में उनकी अच्छी नहीं होती है, इस वजह से यहां पे उनकी स्पीच और उनकी रीडिंग काफी अच्छी हो जाएगी, ऐसा यहां पे गूगल का मानना है। तो ये आ चुका है बोलो, जो अगर आपको भी चाहिए अपने बच्चों के लिए तो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करिए और जाके देखिए, अगर हेल्प होता है तो मेरे हिसाब से हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपको पता है कि Xiaomi को यहां पे चाइना के अंदर एप्पल ऑफ चाइना कहा जाता था, लेकिन आप ऑफिशियली सोच रहे होंगे कि Xiaomi को काफी खुशी हो रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। Xiaomi ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और बोला था हमें एप्पल ऑफ चाइना मत बोलना, हम एक इंडिपेंडेंट कंपनी, हमें अपना नाम आगे बढ़ाना है, तो हमें Xiaomi ही बोलना, एप्पल का नाम हमारे सामने मत लेना, ये थोड़ा मैंने ऐड किया था। तो आज की डेट न्यूज़ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की डेट न्यूज़ पसंद आएगी, अगर आपको पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं ऐसे आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाऊंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।